हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है कि दाऊद इब्राहिम से लेकर बाबा सिद्दीकी से लेकर जो मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का अभी भी आप देखेंगे ना, बाबा सिद्दीकी की जो मृत्यु होती है उन्हें मारा जाता है, तो इससे बॉलीवुड का डार्क साइड है जो कि पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स ने जो काफ़ी अच्छी खबर है जो यहाँ पे छापी है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसका पूरा मैटर क्या है, आखिर क्या कारण है कि दाऊद इब्राहिम देखिए अब तो भारत में रहता भी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही आप देखिए मुंबई में आज भी अंडरवर्ल्ड का जो आधिपत्य है वो देखने को मिलता है। आप देखिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, क्यों मारा गया, तो ये भी आपको कारण यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आगे शुरू करने से पहले हम बाबा सिद्दीकी के बारे में देख सकते हैं, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं 2021 की है। तो ये 1958 से 2024 यानी 1958 में जन्मे थे और 2024 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है इन्हें। ये एमएलए रहते हैं कहाँ से, तो महाराष्ट्र के बांद्रा वेस्ट असेंबली से ये रहते हैं। 1999 में, 2004 में, 2009 में लगातार 3 बार रहते हैं। इसके अलावा ये मंत्री भी थे, ठीक है। इसके बाद बात करें 2004 से 2008 के मध्य में, बात करें अगर तो ये एनसीपी के नेता थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो कि अजीत पवार की पार्टी है, अजीत पवार पार्टी के अंतर्गत आती है। तो आगे बात करें, देखिए मुंबई में जो नेता हैं बाबा सिद्दीकी, इन्होंने इनकी हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, जिससे शहर की कानून व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। सिद्दीकी को बांद्रा के ही निर्मल नगर में गोली लगती है, जहां पर उनके बेटे के घर में उन्हें गोली लगती है। इन्हें बाद में कपूर अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। ये 3 दशक से चली आ रही मुंबई में पहली हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जिसमें यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा चिंता व्यक्त की जाती है सरकारों के द्वारा, सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप, क्योंकि इनके मरने की खबर से पहले ही इन्हें धमकी भी मिली थी, लेकिन मुंबई की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, ये भी यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है। इसमें देखिए मुंबई पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, व्यवसाय के प्रतिद्वंदिता या झुग्गी पुनर्वास परियोजना से जुड़ी धमकियां शामिल हैं, इन सब पर वो जांच कर रही है कि आखिर क्या मुद्दा है। यहाँ पर देखिए बाबा सिद्दीकी हत्या की बात करें तो इसमें देखिए मुंबई में ही संगठित अपराध का उदय और पतन की बात कर लेते हैं, तो देखिए संगठित अपराध का एक कुख्यात इतिहास है मुंबई में, आपको पता ही होगा। 1970 के अंत में और 1990 के दशक में काफी ज्यादा फैला था। यूनियन नेता दत्ता सामंत के नेतृत्व में 1982 में ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक जब होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप कई मिलें हैं जो कि बंद कर दी जाती हैं, जिससे हजारों मजदूर हैं जो कि बेरोजगार हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि युवा काफी ज्यादा इधर उधर जाने लगते हैं, वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं एक प्रकार से, वो स्थानीय गिरोह और अंडरवर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं, यानी रुपए उन्हें कमाना चाहे गलत तरीके से कमाए, ये सब चीजें काफी ज्यादा बढ़ती हैं। इससे वित्तीय असुरक्षा के कारण जीवन जीवित रहने के लिए ये सब काम युवा करने लगते हैं, जिससे वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। मुंबई में संगठित अपराध की जो पृष्ठभूमि है 1970 से 1980 के मध्य में काफी ज्यादा चलती है, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि भी बताया। इसको देखिए 1990 के दशक में क्या होता है, अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा बढ़ता है। इसके बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये भी था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एंगल भी था, क्योंकि आप देखेंगे 1991-92 में जो आपका बाबरी मस्जिद ढहाया जाता है, इसके कारण से भी अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ जाता है। इससे होता क्या है कि नागरिक, राजनेताओं और यहाँ तक कि कानून लागू करने वाले लोगों में भी काफी ज्यादा डर पैदा हो जाता है अंडरवर्ल्ड के कारण। आप देखेंगे ना उस समय की मूवीज, और आप थोड़ा बहुत भी अगर इन चीज़ों से जुड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का कितना ज़्यादा डर था। संगठित अपराध का उदय आपके 1990 के दशक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। गैंगस्टर जो है खुलेआम निवासियों को मार देते थे, राजनेता, बिल्डर, अभिनेता, फिल्म निर्माता, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा निशाना बजाना बनाया जाता था और इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। आप देखेंगे उस समय की मूवीज पर भी आप देखेंगे ना, आपको गहरा असर देखने को मिलेगा। यदि आप थोड़ा भी जागरूक होंगे तो उस समय 1990 से लेकर 2000 के बीच में जितनी भी मूवीज थी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अंडरवर्ल्ड का वहाँ पर हस्तक्षेप देखने को मिलता है, मूवीज ऐसी बनाई जाती थी। अब देखिए मुंबई पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ जो है काफ़ी बड़ी कार्यवाही की थी। इसमें अक्सर गिरोह के सदस्यों की तलाश में नैतिकता की रेखाएं जो कि धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा गलत काम करने में आ जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ना शूट आउट एट लोखंड वाला जो फिल्म है ना, वो इसी पर आधारित थी, उसका एक नाटकीय रूप थी। मुंबई में जो 1993 में जो सिलसिलेवार जो बम धमाके होते हैं, तो
ये आरोप किस पर जाता है? तो दाऊद इब्राहिम जो गैंगस्टर था उस पर जाता है। उसने क्या किया, संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण पुलिस को काफी बड़ी कार्यवाही करनी पड़ी थी। 1993 में बम धमाकों ने काफी ज्यादा हलचल मचा दी थी। मैंने आपको जैसा कि बताया कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो आपका दाऊद इब्राहिम ने इसने धमकी भी दी थी, ठीक है, जिसके कारण से पुलिस की प्रतिक्रिया भी काफी ज्यादा आक्रामक थी। और इसके मध्य से देखिए, अंडरवर्ल्ड के संचालन को खत्म करना इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। किसका? मुंबई पुलिस का। 1997 में देखिए, आपको जानकारी होगी कि संगीत जगत के आपके दिग्गज जो गुलशन कुमार थे, भूषण कुमार के पिताजी थे, अंडरवर्ल्ड की पहुंच को और भी ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो भूषण जो आपके गुलशन कुमार थे ना, इनको गुलशन कुमार को एक मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं 16 बार गोली, यानी 16 गोलियां मार दी गई थी। इसके बाद पुलिस जांच में संगीतकार जो थे नदीम अख्तर सैफी सहित कई हाई प्रोफाइल लोगों को इसमें फंसाया गया था पुलिस के द्वारा। 1990 के दशक के अंत में पुलिस के प्रयास और आर्थिक सुधार के संयोजन ने धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को जो कि काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था, क्योंकि उसी समय आप देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, जिससे गलत तरीके से जो रुपया आ रहा था मुंबई में वो सब चीजें भी कम हो रही थी, ठीक है। 1991 जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, इससे देखिए युवाओं को रोजगार भी मिलने लगे, जिससे कई लोग हैं जो कि अपराध से दूर हुए। इसके बाद 1998 में जो दिवंगत राजनीतिज्ञ हैं सुषमा स्वराज जी वर्तमान में नहीं, उन्होंने फिल्म निर्माण को एक उद्योग के रूप में नामित कर दिया था, जिससे फिल्म निर्माताओं को वैध धन प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी, जिससे अंडरवर्ल्ड के वित्त पोषण में निर्भरता कम हुई थी। क्योंकि पहले देखिए जो धन प्राप्त करना फिल्म निर्माताओं के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, तो वो अंडरवर्ल्ड से वित्त पोषण से चलती थी। बॉलीवुड एक समय कहा जाता था कि अंडरवर्ल्ड के कारण ही चल रही है। हालांकि सिद्दीकी की हत्या मुंबई में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं को परेशान करने के लिए परेशानी को और ज्यादा वर्तमान में बढ़ा दी जाती है, फिर से उस मुद्दे को उठा देती है जो लगभग 3 दशक पहले हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या है। आखिरी उल्लेखनीय हत्या आपकी कब होती है? तो 1990 में होती है। उसके बाद आप देखेंगे वर्तमान में हो रही है। 1990 में जब हुई थी तो उसमें भाजपा और शिवसेना के विधायक है जो कि सबसे ज्यादा उनकी हत्याएं की गई थी। मुंबई के देखिए अंडरवर्ल्ड के साथ जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा जटिल है, खासकर जो बॉलीवुड के मामले में आप देखेंगे संगठित अपराध से जो जुड़ी धमकी है आप देखते हैं लगातार मिलती रहती है। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे हाई प्रोफाइल जो अभिनेता है, इनको गैंगस्टर से धमकी और दबाव का सामना इन्हें अक्सर करना पड़ता है। आप देखेंगे ये काफी ज्यादा उससे झुके भी रहते हैं, वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं, खुलकर कई मुद्दों पर ये बात भी नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रीति जिंटा जो थी ना, इन्हें 2001 में फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से संबंधित कानूनी कार्यवाही के दौरान फिल्म उद्योग से अंडरवर्ल्ड की भागीदारी के खिलाफ बोलने के बाद धमकियां मिलने लगी थी, और इन्होंने अपने अनुभव को सार्वजनिक रूप से साझा भी किया था कि इन्होंने अंडरवुड के खिलाफ क्यों बोला है और हम मुझे ऐसी ऐसी धमकियां मिल रही हैं, यानी प्रीति जिंटा को खुलेआम धमकियां दी गई थी, ठीक है। बाबर सिद्दीकी की हत्या की बात करते हैं वर्तमान में, तो 1990 के बाद ये सबसे बड़ी हत्या के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि गिरोह की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी भी आई थी, कब, जब मकोका अधिनियम की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्तमान में फिर से ये हत्या हो जाती है, जिससे ये यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि क्या सच में अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो गया है महाराष्ट्र यानी मुंबई से, या आज भी वो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिद्दीकी की जो हाल में मृत्यु हुई है, इस पर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भी यहाँ पर शामिल होता है, और वो जिम्मेदारी लेता है कि वो सलमान खान और अंडरवर्ल्ड के लोग दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन से संबंधों के कारण है, जो कि इसकी मृत्यु उन्होंने की है, लॉरेंस बिश्नोई ने। यहाँ पर देखिए फेसबुक पोस्ट में गिरोह के एक सदस्य ने लिखा है कि सलमान खान से हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमारे भाई की जान ले ली। आज बाबा सिद्दीकी की शालीनता का पुल बंद हो गया है, या एक समय में वह दाऊद के साथ मकोका के तहत था। उनकी मौत का कारण बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग में दाऊद और अनुस्थापन से उसके संबंध थे, इसके कारण से इसकी मृत्यु की जाती है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष है। और देखिए सलमान खान से मुद्दा इसलिए जुड़ा है क्योंकि सलमान खान ने जो इन्होंने पता है ना हिरण का एक केस इन पर चल रहा था, जिसके कारण से बिश्नोई समाज जिनमें हिरण को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, तो इसके कारण से बिश्नोई समाज साहब सलमान खान को मारना चाहता है। और जो बाबा सिद्दीकी थे ये सलमान खान के काफी ज्यादा नजदीकी माने जाते हैं, तो इस कारण से इनकी हत्या कर दी है। और सलमान को भी खुलेआम धमकी मिलती रहती है, आपने देखा होगा उनके घर के बाहर अभी कुछ महीने पहले ही
गोलियां भी चली थी। इसको देखिए पोस्ट में आगे चेतावनी दी है कि हमारी किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हालांकि सलमान खान या दाऊद गिरोह की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमारे किसी भाई को मरवाता है तो हम इसका जवाब देंगे। हम कभी भी पहले हमला नहीं करते। जय श्री राम, जय भारत, शहीदों को सलाम। अब देखिए जय श्री राम, जय भारत लिख कर उन्होंने, इससे क्या समझ में आता है कि क्योंकि देखिए पॉलिटिकल चीज़ों को आप समझेंगे ना, ये लगता है कि यार बीजेपी सपोर्टर, क्योंकि जय श्री राम आप देखेंगे एक हिंदूवादी, यानी इससे इन्होंने सिंपैथी भी ले ली, हिंदू जो कट्टर हिंदू के रूप में अपने आप को जताते हैं बीजेपी के कुछ नेता हैं या आरएसएस के समर्थक हैं जो जय श्री राम जय भारत ये सब चीजें बोलते रहते हैं, तो बिश्नोई समाज इनसे सिंपैथी भी ले लेता है। कुछ लोग देखिए बिश्नोई समाज को सही भी मानते हैं, लेकिन देखिए ये बात गलत है। आप खुलेआम किसी को मार दें, और लॉरेंस बिश्नोई आप समझिए ये खुद जेल में बंद है लेकिन इसका गिरोह बाहर एक्टिव है और लगातार लोगों पर हमले करता रहता है। तो देखिए हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक काला धब्बा है कि हम लोग ऐसे आज भी प्रशासन को सुधार नहीं पाए हैं, और ये समाज के लिए एक डर के रूप में आते रहते हैं, यानी डर पैदा किए हुए हैं समाज में। तो ये एक फेलियर है हमारे समाज का। यहाँ पर देखिए सलमान खान और बिश्नोई गिरोह के बीच, मैंने आपको जैसे कि बताया 1998 में जो काले हिरण से संबंधित विवाद था, उसी के कारण ये प्रतिद्वंदिता आज भी चली आ रही है, जिस पर देखिए खान पर दो पवित्र जानवरों को मारने का आरोप लगा था। ठीक है, अब बिश्नोई समाज उसे अपना श्रद्धा के रूप में देखते थे। देखिए 2018 में समुदाय ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया था। ठीक है, गिरोह ने पहले सलमान खान और उनके पिता को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का संदर्भ देते हुए एक मौत की धमकी वाला पत्र भेजा था, जिसके कारण सुरक्षा सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सिद्दीकी जो कांग्रेस के पूर्व सदस्य थे, अब वर्तमान में ये अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता हैं, और ये प्रमुख मुस्लिम नेता थे, और उनके कई बॉलीवुड सितारों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जैसे सलमान खान और शाहरुख खान के साथ इनके मध्य जो विवाद था ना, आपने देखा होगा करण अर्जुन फिल्म के समय जो सलमान खान और शाहरुख खान के मध्य विवाद हो जाता है, तो इन दोनों के मध्य 5 साल तक दुश्मनी चलती, उसको उन दोनों को मिलाने का काम आपके बाबा सिद्दीकी को ही माना जाता है, ऐसा बात की जाती है। यहाँ पर देखिए इस घटना पर विपक्षी दलों ने भी देखिए काफी ज्यादा चिंता व्यक्त किया। चिंता करने की बात भी है भाई, इतने बड़े नेता को मुंबई जैसी सिटी में खुलेआम मार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन जांच भी कर रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दो हमलावर की गिरफ्तारी और तीसरे संदिग्ध की तलाश वर्तमान में की जा रही है। सिद्दीकी की हत्या मुंबई में संगठित अपराध के संभावित पुनरुत्थान को फिर संकेत देती है कि जो हमारा महानगर है क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, इसको चुनौती देने का काम करता है। तो देखिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं कि आखिर ये मृत्यु का कारण क्या है, और पुरानी चीजें जो चली आ रही हैं उनका भी क्या इसमें रोल है। बाकी आपका क्या इस पर सोचना है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहे हैं क्या वो सही है, और लॉरेंस बिश्नोई क्या हमारे समाज के लिए एक समस्या का कारण नहीं बन रहे, या पुलिस प्रशासन के लिए हमारे यो काला धब्बा है या नहीं है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।